हम सबकी फेवरेट सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम रिव्यू करते हैं आपके फेवरेट यूट्यूबर्स के क्लोथिंग ब्रांड को और देखते हैं कि आप उसे पहनकर सेक्सी लगोगे या कोलकाता की एक्सी लगोगे। एवरीवेयर ये है हमारा एपिसोड 9 और आज हम रिव्यू कर रहे हैं सू यस फैशन को। अगर आपको व्लॉगिंग पसंद है या मिनी व्लॉग्स पसंद है या स्पेशली अगर आप जयपुर से हो, सूरज एंड यसी के आप फैन होगे ही। देखो सूरज भाई तो अपना भी है लेकिन रिव्यू में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, फुल पावर से कमी निकालेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ऑलराइट, पहला प्रोडक्ट, पहला शर्ट आ गया भाई हमारे पास में सीधा सू यस फैशन से, एक बहुत खूबसूरत हाफ स्लीव शर्ट। इन्होंने जस्ट अभी अपना समर कलेक्शन लॉन्च किया है। अगर इस पर्टिकुलर शर्ट की बात करें, सू यस फैशन का आपको टैग देखने को मिल जाएगा। इनका ये ब्रांड कलर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। नॉर्मल सबको कलर देखने को मिलता है, शॉर्ट स्लीव मिलता है, व्हाइट कलर का आपको बटन देखने को मिल जाएंगे। मेनली अगर कलर की बात करें, पूरा शर्ट वैसे तो व्हाइट कलर का है लेकिन इसमें टाई डाई आपको डिजाइनिंग देखने को मिलेगी जो की है येलो कलर की, जस्ट फील्स लाइक अ हल्दी। और एक्चुअल इस शर्ट का नाम भी है रंगे हल्दी। पूरे शर्ट पे आपको वर्टिकल सिल्वर थ्रेड्स देखने को मिलेंगे। ओवरऑल जो डिटेलिंग्स है ना, बहुत ज्यादा अच्छी लगती है एंड टोटली समर वाइब देता है। नो डाउट फैब्रिक काफी ज्यादा लाइट वेट कंफर्टेबल है एंड पूरा कॉटन का बना हुआ है। जितनी भी अच्छी बातें बुरी बातें वो सारी चीजें हम एक साथ इकट्ठा करके एंड में आपको बताएंगे। हालांकि एक प्लस पॉइंट क्या है कि इन सारे फैब्रिक्स डिजाइनिंग के आपको एक फीमेल वर्जन भी देखने को मिलेंगे। सिंपल सा मतलब ये है कि ये डिजाइनिंग के साथ आपको वुमेन्स कैटेगरी में भी ना कपड़े देखने को मिल जाएंगे और ये सूएस फैशन ब्रांड का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है जिसके कारण से ये ब्रांड फेमस भी है। अभी आप मुझे पहने में देख सकते हो, ओवरऑल लुक बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। वुमेन फैशन के लिए हमारा एक सेपरेट चैनल है वन चांस वुमेन के नाम से। वुमेन फैशन में रिव्यू चाहिए वहां पर आप जा सकते हो। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। ऑलराइट, नेक्स्ट प्रोडक्ट, नेक्स्ट शर्ट आ गया हमारे पास। ऑलराइट, जस्ट लुक एट दिस भाई, कलर से ना लिटरली कलर से मुझे प्यार हो जाएगा। अगेन यहाँ पर भी आपको शॉर्ट स्लीव मिलता है, नॉर्मल से कॉलर देखने को मिल जाएगा, व्हाइट कलर के आपको बटन देखने को मिल जाएंगे। पूरा शर्ट कॉटन का है लेकिन मेनली जो इसका डिजाइन है वो इसके कलर के ऊपर किया गया है। एक टाई डाई डिजाइनिंग आपको देखने को मिलेगी, ऊपर की तरफ आपको पर्पल कलर, नीचे की तरफ आपको डार्क ब्लू कलर देखने को मिलेगा। बहुत ज्यादा लाइट सा फील होता है। मे भी आपको कैमरे में ये थोड़ा सा ओवर सैचुरेटेड लगे लेकिन इन जनरल इन रियल लाइफ ये काफी ज्यादा मैट सा और सटल सा फील होता है। अंदर में आपको सूएस फैशन की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी और इसका भी एक बहुत प्यारा सा यूनिक नेम है, एक अदा। अटेंशन टू डिटेलिंग्स की बात करें, जहां पर आपको ये पर्पल कलर मिलता है वहां पर ब्लू थ्रेड का यूज किया गया है जस्ट अपोजिट, और ब्लू वाले सेक्शन में आपको बटन्स पे पर्पल कलर का थ्रेड देखने को मिलेगा। पहन के मैं कैसा लग रहा हूं ये सारी चीज आप पीछे देख लो। इसमें भी आपको एक वुमेन वर्जन देखने को मिल जाएगा इनकेस अगर आपको कपल पेयर अप ऐसा करना है तो। काफी ज्यादा कूल लगता है एंड यूजुअल डेज में जहां सिर्फ और सिर्फ प्रिंट्स और सारी चीजें चल रही है, एक यूनिक प्रेजेंस भी देगा आपको। ऑलराइट, नेक्स्ट प्रोडक्ट भाई फटाफट से निकालते हैं और एक बार आप कलर को देखो। बहुत कम ऐसे ब्रांड्स हैं ना जो कलर को यूज करके भी एक सटल डिजाइन को मेंटेन रख पाते हैं और ये भाई बस इन्फ्लुएंसर्स हैं, कोई बहुत बड़े जायंट ब्रांड के ओनर्स नहीं है और वो फिर भी अगर ये काम कर पा रहे हैं ना। अगेन यहाँ पर आपको नॉर्मल से कॉलर देखने को मिल जाएगा, शॉर्ट स्लीव देखने को मिल जाएगा, व्हाइट कलर का आपको बटन देखने को मिलते हैं, उस पे आपको ग्रीन कलर के थ्रेड्स देखने को मिल जाएंगे, प्रॉपरली अच्छे से डिजाइंड है। लेफ्ट चेस्ट पे आपको एक पॉकेट देखने को मिलेगा जिसके ऊपर एक कैक्टस बना हुआ है, एम्ब्रॉयडर्ड है और एम्ब्रॉयडरी की जो क्वालिटी है ना काफी ज्यादा अच्छी है। अगेन कैक्टस के कलर से इंस्पायर्ड यहाँ पर आपको वो कलर देखने को मिल जाएगा। टाई डाई है लेकिन वो बहुत यूनिक और मतलब वेरी हार्ड टू एक्सप्लेन कितने अच्छे से यहाँ पर वो कलर्स आए हैं व्हाइट कपड़े के ऊपर भाई। मतलब बहुत दिनों बाद ना मैं एक ऐसा रिफ्रेश्ड सा डिजाइनिंग देख रहा हूँ। बैक की तरफ से पूरा सॉलिड है, प्लेन है, अंदर की तरफ अगेन आपको सूएस के ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ ये सारी चीजें पीछे देख लो। और एक चीज मुझे और क्या अच्छी लगी, इसके फेब्रिक में हल्के हल्के ना क्रस्ट जैसे टेक्सचर्स बने हुए हैं। ये ऐसा मुड़ तोड़ नहीं है बल्कि ये इसके डिजाइन का पार्ट है, फेब्रिक का पार्ट है। अगेन समर में आपको एक बहुत ज्यादा यूनिक रिलैक्सिंग कामिंग लुक देगा और भाई आप बवाल लग रहे वाले हो। आई नो भाई यू आर वेटिंग कि भाई लेपल कॉलर वाला शर्ट कहाँ है, वो यहाँ है। लेट्स अनबॉक्स दिस। ऑलराइट, फर्स्टली अगर शर्ट की बात करें यहाँ पर आपको लेपल कॉलर देखने को मिल जाएगा, बहुत ज्यादा ट्रेंड में है ये कॉलर। इकलौता हमारा फुल स्लीव वाला शर्ट जहाँ पर आपको एंड में कफिंग देखने को मिल जाएगी। कफ्स की साइजिंग काफी ज्यादा स्टैंडर्ड है, बहुत चौड़ी चौड़ी नहीं है और क्लोजर के लिए आपको दो बटन देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट में आपको दो बड़े बड़े बॉक्सी पॉकेट्स देखने को मिल जाएंगे, ऊपर में आपको एक फ्लैप मिलता है और क्लोजर के लिए कोई यहाँ पर बटन वटन नहीं है। व्हाइट कलर के आपको उसमें बटन देखने को मिलते हैं। मेनली अगर इसके फैब्रिक की बात करें ऑब्वियसली कॉटन होने वाला है लेकिन पूरे शर्ट पे आपको एक मार्बल सी डिजाइनिंग देखने को मिलेगी।
मिलेगी जहाँ पर मूव कलर और डार्क ब्लू कलर का यूज किया गया है, थोड़ी सी डिफरेंट डिजाइनिंग है, अगेन समर के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन पर्सनली ना मुझे ये मार्वल वाली डिजाइनिंग अच्छी नहीं लगती, इट्स जस्ट माई ओपिनियन। अंदर में आपको शूज की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, कपड़ा बहुत ज्यादा लाइट वेट फील होता है, पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ ये सारी चीजें आप पीछे देख लो। इसके कॉलर में थोड़ा सा बस डिफरेंस क्या है कि थोड़ा नैरो टाइप का कॉलर से बनाया गया है, यूजुअली जितने भी लेपल कॉलर्स होते हैं वो थोड़े से ब्रॉड होते हैं, ये थोड़ा सा आपको शार्प वी क्रिएट कर देगा। ऑलराइट, नेक्स्ट प्रोडक्ट आ गया भाई हमारे पास में, इससे भी अनरैप करो यार। जयपुर में सबसे बेस्ट बेस्ट खाने की चीज क्या होती है, अगर कोई जयपुर का ऑडियंस है तो मुझे जरूर बताना कमेंट में। ये है एक बहुत खूबसूरत सा शॉर्ट कुर्ता, ओ भाई इसकी एक डिजाइनिंग बहुत खतरनाक है। मेन रिंग कॉलर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, तीन आपको लगातार तड़तड़ाते हुए बटन देखने को मिल जाएंगे जो कि एकदम जाते हैं छाती तक। व्हाइट कलर का बटन देखने को मिलता है, फुल स्लीव देखने को मिलेगा, पूरा फैब्रिक कॉटन का, और कलर की बात करें यहीं पे तो दम है भैया। ऊपर में आपको डार्क ब्लू कलर तो मिलता ही है और नीचे की तरफ मिलेगा स्काई ब्लू। देखो कलर्स भी ना अलग अलग फैब्रिक पे अलग अलग रंग दिखाते हैं क्योंकि सबका भाई अपना अपना रंग होता है। बोलो मिलके जुआ केसरी, बोलो जुबा केसरी। कॉटन पे जब कोई कलर चढ़ता है ना वो बहुत ज्यादा रिच रिलैक्सिंग लुक देता है। थोड़ी और अगर डिटेलिंग की बात करें तो यहाँ से आपको ना एक स्टिचिंग देखने को मिलेगी जो कि पूरे एंड तक जाती है और एंड में आपको एक स्प्लिट कट देखने को मिलता है। बहुत ज्यादा यूनिक डिजाइनिंग है, पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ ये सारी चीज आप पीछे देख लो, डेफिनेटली समर के लिए बेस्ट है। ऑलराइट, नेक्स्ट एंड द लास्ट प्रोडक्ट आ गया भाई हमारे पास में, सॉरी सूरज। ये कलर आपको देखना चाहिए, ये कितना ज्यादा खूबसूरत और प्यारा है, वन ऑफ माई फेवरेट। जस्ट लुक एट दिस भाई, क्या किलर कलर कॉम्बिनेशन है। दोनों सब कलर मिलेगा, शॉर्ट स्लीव मिलेगा, व्हाइट कलर का बटन देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि भाई क्या क्या चीजें इंप्रूव की जा सकती थी, उसे भी आपको सुनना चाहिए। फैब्रिक पूरा कॉटन का बना हुआ है, हल्का हल्का अगर क्रश भी होगा तो बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि कॉटन है। मेनली अगर इसके कलर की बात करें, ऊपर में आपको डार्क ऑलिव ग्रीन कलर मिलता है और नीचे की तरफ आपको ऑफ व्हाइट कलर या थोड़ा सा क्रीमिश कलर टाइप का समझ लो वैसा देखने को मिलेगा। बहुत ज्यादा अच्छा देता भाई, स्पेशली इन समर। पहन के मैं कैसा लग रहा हूं ये सारी चीजें आप पीछे देख लो। अंदर में यहां पर आपको ब्रांड का टैग देखने को मिल जाएगा। एंड ओवरऑल प्लस पॉइंट्स की अगर बात करें, सारे कपड़े कॉटन के बने हुए हैं, अच्छे डिजाइंस के साथ आते हैं, अच्छे कलर्स के साथ आते हैं, इंडिया के बने हुए प्रोडक्ट्स हैं, हमारे फेवरेट क्रिएटर्स इसे सेल कर रहे हैं, तो उनका जो प्यार उनका जो भरोसा है वो आपको फील होगा प्रोडक्ट में। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट सम इंप्रूवमेंट्स। मोस्टली प्रोडक्ट का जो नाम है वो कहीं भी टैग में आपको मेंशन नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको साइड में मिलता है। दूसरी चीज ये, जो भी कपड़ा ये यूज कर रहे हैं या वॉशिंग इंस्ट्रक्शंस, वो सारी चीजें अंदर में आपको मिसिंग देखने को मिलेगी। अब ये पता नहीं मेरे में ऐसा है या सब में ऐसा है, वो मुझे नहीं पता। साथ ही बटन्स में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट्स की जा सकती थी, सारे प्रोडक्ट में एक से बटन्स देखने को मिलते हैं, बटन में ब्रांडिंग्स डाली जा सकती थी जिसे एक और पर्सनल सा टच ऐड हो जाएगा, या फिर हर प्रोडक्ट के एंड के साइड में यहां पर अगर वो एम्ब्रॉयडरी के थ्रू अपना लोगो वहां पर लगाने की कोशिश करें ना, तो भाई एक नेक्स्ट प्रीमियमनेस उस प्रोडक्ट में ऐड हो जाएगी। ये सारे मेरे पर्सनल सजेशंस हैं। प्रोडक्ट आते साथ ना इसमें थोड़ा सा गोडाउन सा स्मेल आता है, इट इज वेरी कॉमन, लेकिन थोड़ा सा अगर एक हल्का सा बॉक्स में भी से स्प्रे हो जाए तो एक अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस ना काफी ज्यादा अच्छी होती है। यूजुअली देखो मैं 42 साइज पहनता हूँ और इन जनरल साइजिंग के मामले में वहां पर एल साइज आता है, लेकिन यहाँ पर मुझे एक्सल साइज लेना पड़ा। जब भी खरीदो साइज चार्ट देख कर खरीदना। लेकिन इसमें एक अच्छी बात क्या है कि चूंकि ये कॉटन है, कॉटन थोड़ा सा वॉश के बाद श्रिंक होता है, तो मे बी ये परफेक्ट फिट में भी आ जाए। बट ये सारी छोटी मोटी इंप्रूवमेंट्स है जिसे आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। बाकी सारे प्रोडक्ट्स भाई बहुत अच्छे हैं। सूएस फैशन के वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको सूएस फैशन के वुमेन प्रोडक्ट्स का रिव्यू देखना है, आप हमारे वुमेन चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अभी के लिए। बाय, जय हिंद, पीस, बूम।